दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी तक पर। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लाइकेन का जो क्रैश कोर्स मैंने शुरू किया है। तो लाइकेन जो टॉपिक है, इसका पार्ट टू मैं लेकर आया हूँ। इसके पहले पार्ट में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे TGT, PHT या फिर LT ग्रेड या फिर GIC, KVS या फिर नेट GRF के लिए, किसी भी जिसमें बायो जो है सिलेबस में है, आपके लाइकेन का टॉपिक सिलेबस में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बना के इसी चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, जिसका मैं लिंक यहाँ के आई बटन में भी दे दे रहा हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, जहाँ से आप जाके पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको चीज़ें और ही बहुत ही बेहतरीन समझ में आएंगी। उस वीडियो में मैंने आपको लाइकेन का स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर लाइकेन का जो क्लासिफिकेशन है उससे जो भी क्वेश्चन आते हैं, लाइकेन का जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर लाइकेन की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि फादर ऑफ लाइकेन कौन है, फादर ऑफ इंडियन लाइकेन कौन है, ये सभी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में बना रखा है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा, पहले आप सभी लोगों को बता दो कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आज हम लोगों को कवर करना है इसके 3 पॉइंट को। ठीक है, तो जिसमें जो है हम लोग इसका फर्स्ट पॉइंट कवर करेंगे, जो कि फर्स्ट पॉइंट क्या हम लोग कवर करेंगे, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर किसका, लाइकेन का। फिर इसके बाद इसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट को कवर करेंगे, सेकेंड पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, इसका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन। और फिर इसके बाद थर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जानते होंगे, इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, या इंटरनल स्ट्रक्चर से या रिप्रोडक्शन से, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है, वो अभी हम आपको दिखा भी रहे हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है लाइकेन का। तो अगर हम लोग इंटरनल इसकी मॉर्फोलॉजी देखें, यानी कि इंटरनल अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें किसका, लाइकेन का, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन, तो बेसिकली जितने भी लाइकेन अभी तक पाए जाते हैं या पाए गए हैं, इनके स्ट्रक्चर में 2 प्रकार का जो है स्ट्रक्चर इनका हो सकता है। एक देखिए, कुछ लाइकेन जो है ना वो होमो आइसोमेरस टाइप के होते हैं। किस टाइप के होंगे, होमो आइसोमेरस टाइप के। ठीक, होमो आइसोमेरस टाइप मीन्स क्या होता है, होमो आइसोमेरस टाइप मीन्स क्या होता है कि इसमें जो फंजाई वाला पार्ट है और जो एल्गी वाला पार्ट है, ठीक है, फंजाई वाला पार्ट और एल्गी वाला पार्ट, ये जो है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके थैलस में, उसके बॉडी में। जितना एल्गल पार्ट होगा उतना ही फंजाई वाला भी पार्ट होगा। ठीक है, तो लेकिन ये बहुत ही ऐसे लाइकेन, मतलब कि ये जो होमो आइसोमेरस टाइप के लाइकेन है, ये बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं। ठीक है, रेयर एंड रेयर। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, हेट्रो आइसोमेरस जो लाइकेन होते हैं, जो कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है ना, कौन से पाए जाते हैं, हेट्रो आइसोमेरस टाइप के लाइकेन। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर में जो है ना कॉमनली, तो इनका स्ट्रक्चर 4 भागों में बटा हुआ होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ए वाला आप पार्ट देख रहे हैं, ये इसका जो है अपर कॉर्टेक्स है। ठीक है ना, ये क्या है, अपर कॉर्टेक्स। ठीक है, अपर कॉर्टेक्स किसका होगा, ये कौन सा थैलस है, ये फंजाई वाला पार्ट है। ठीक है, फंजाई वाला पार्ट है। फिर इसके बाद अगर हम लोग इसका बी वाला स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ से यहाँ तक देख रहे होंगे, तो इसमें आप लोगों को ग्रीन कलर का पार्ट भी अपीयर हो रहा होगा, जो कि इसका एल्गल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एल्गल जोन कहते हैं, एल्गल जोन। फिर इसके बाद थर्ड अगर आप लोग सी देखें, तो ये भी आपको माइसीलियम हाइफा की तरह दिखाई दे रहा है, जो कि इसका क्या है, मेडुला रीजन है। ठीक है, इस रीजन को क्या कहते हैं, मेडुला। और ये भी किसका पार्ट होता है, फंजाई वाले पार्ट का ही होता है। ठीक,
फिर इसके बाद इसका डी वाला पार्ट हम लोग देखते हैं। तो जो डी वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला लोअर कॉर्टेक्स है, इसका लोअर कॉर्टेक्स है, ठीक। फिर इसके बाद जो ई वाला पार्ट है, ये सबस्ट्रेटम से चिपकने के लिए होता है, जो आपको इस टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये सर इसको राइजाइंस कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, राइजाइंस। और ये भी किसका पार्ट है, फंजाई का। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फंजाई का ही पार्ट सबसे ज़्यादा है, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि 95% जो होता है पार्ट वो किसका होता है, फंजाई का होता है, और सिर्फ 5% जो पार्ट होता है वो किसका होता है, एल्गल जोन का। इसीलिए इसको मास्टर स्लेव भी कहा जाता है हाइपोथेसिस, ठीक है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके इंटरनल स्ट्रक्चर से जो भी क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इनका रिप्रोडक्शन, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग देखेंगे लाइकेन में रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो लाइकेन में 3 टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, आप लोगों ने नाम बहुत बार सुना होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को सिर्फ आ से हम लिख रहे हैं। फिर इसके बाद सेकेंड क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद थर्ड हम लोग क्या देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है, इनके बॉडी से। जब भी कोई भी रिप्रोडक्शन अगर उसके बॉडी से, बॉडी के ही पार्ट से हो रहा है, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। जो कि पिछले साल जो है TGT का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक। तो इसके देखिए टाइप कौन कौन से है, पहला कौन सा हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेशन। फिर इसके बाद इसका हम लोग अगर सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड तरीका क्या है होने का, तो इसीडिया, ठीक है ना, कौन सा इसका पार्ट होगा, इसीडिया के द्वारा। फिर इसके बाद थर्ड इसमें हम लोग देखें तो थर्ड होता है सोरेडिया, ठीक है, सोरेडिया। आप सभी लोग अगर यूथ टाइम्स की बुक पढ़ते होंगे तो यूथ वाले में इसको जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, इसीडिया और सोरेडिया को, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड इसमें सिफेलोडियम, ठीक, सिफेलोडियम। ये पूछेगा आपसे डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से इसीडिया या सोरेडियम सिफेलोडियम ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है, या सेक्सुअल है, या इनमें से कोई नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके रिप्रोडक्शन से। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या अंतर होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी लाइकेन के बॉडी से, ठीक है, उसके थैलस का ही कोई पार्ट टूटकर, या तो फिर मतलब इस तरीके से कोई भी चीज़ें अगर उसके बॉडी में ही हो रही हैं जिससे वो नई बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, नए लाइकेन का, तो उसको हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर उसके बॉडी में स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो वो स्पोर अगर जाकर जर्मिनेट करके नया उसका लाइकेन का थैलस बना रहे हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। तो यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाई स्पोर, ठीक है, और बाई स्पोर में भी स्पेशली कौन सा स्पोर होता है, पिकनीडियो स्पोर, ठीक है ना, कौन सा होगा, पिकनीडियो स्पोर, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, हमें पता है लाइकेन में कितने पार्ट होते हैं, एक कौन सा पार्ट होता है, एल्गी वाला पार्ट, और एक कौन सा होता है इसका, फंजाई वाला पार्ट, ठीक। तो फंजाई वाला पार्ट जो है यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये एल्गी वाला पार्ट पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कवरिंग होती है वो इस फंजाई की होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें मोस्टली हम बताए भी थे कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा लाइकेन एस्कोमाइसिटीज के पाए जाते हैं, ठीक है, और ये जो एस्कोलाइकेन, तो फंजाई भी उसमें किस टाइप के होते हैं बच्चों, एस्कोमाइसिटीज के, किसके होंगे, एस्कोमाइसिटीज के, ये मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक। अब हमको पता है कि एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर होंगे फंजाई के, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक कौन सा होगा, फीमेल सेक्स आर्गन, कौन सा होगा, फीमेल सेक्स आर्गन, और एक कौन सा होगा इसका,
मेल सेक्स आर्गन, ठीक, मेल सेक्स आर्गन। फीमेल सेक्स आर्गन को कहते क्या है इसमें, फीमेल सेक्स आर्गन को हम लोग कहते हैं कार्पोगोनियम, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, कार्पोगोनियम, ठीक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मेल सेक्स आर्गन को स्पर्मेटोगोनियम, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। इससे आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इनसे जो मेरा ये फर्स्ट और सेकंड लेक्चर आप लोग देख लेंगे तो इससे बाहर कोई भी आपके कोई भी एग्जाम देंगे उसमें क्वेश्चन नहीं आने, और मैं इसका कम से कम 80 लगभग 80 क्वेश्चन भी आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कार्पोगोनियम यानी कि फीमेल पार्ट में भी ना इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है ना। एक जो पार्ट होता है इसका एपिकल पार्ट, कौन सा होता है इसका एपिकल पार्ट, ठीक। यहाँ पे प्लेस हमको जगह कम दिखाई दे रही है इसीलिए इसको छोटा लिखते हैं एपिकल पार्ट, और यहाँ पर इसका कौन सा पार्ट होता है बच्चों, बेसल पार्ट, बेसल पार्ट, ठीक। तो एपिकल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकोगाइनी, ठीक है ना। एपिकल पार्ट इसका क्या, रुक जाए एक सेकेंड, कलर भी इसका हम चेंज कर लें ताकि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आए। इसके एपिकल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पोगाइनी, ठीक। फिर कार्पोगाइनी क्या करती है कि जो मेल का, ठीक है, मेल गैमिट आता है, जो मेल गैमिट, ठीक है ना, आता है उसे रिसीव करती है, ठीक है ना। क्या करेगी, रिसीव करेगी, कौन, कार्पोगाइनी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये याद रखना आप सभी लोग। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बेसल इसके पार्ट में क्या होता है, एस्कोगोनियम, ठीक है। इसके बेसल पार्ट में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं क्या होता है, एस्कोगोनियम, ठीक। ये एस्कोगोनियम क्या होता है, यही फीमेल गैमेट को कंटेन किए रहता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मेल जो सेक्स आर्गन है इसमें जो है प्रोड्यूस नॉन मोटाइल, इसके जो मेल गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब क्या होता है, अचल, चल नहीं पाते हैं, ठीक है। और उनको कहते हैं क्या हम लोग मेल गैमेट को, स्पर्मेसिया, ठीक है। ये बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, स्पर्मेसिया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये इसका रिप्रोडक्शन है, एक बार जल्दी से हम इसको रिवाइज करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कितने टाइप के, 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में ये जरूर से आप सभी लोग याद कर लीजिएगा कि फ्रेगमेंटेशन तो आप सभी लोग जानते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, लेकिन इसीडिया और सोरीडिया और सिफेलोडियम ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, और वो भी कौन सा होगा, पिकनीडियो स्पोर के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं लाइकेन के थैलस में एल्गल पार्ट भी होते हैं और फंगल पार्ट भी होते हैं, ठीक। तो एल्गल पार्ट कम होते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, फंजाई पार्ट ज़्यादा होते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई वाले पार्ट में, ठीक। और ये फंजाई वाले पार्ट में भी कौन सा, एस्कोमाइसिटीज के लाइकेन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें देखेंगे फीमेल सेक्स आर्गन होंगे और मेल सेक्स आर्गन होंगे। फीमेल सेक्स आर्गन को कार्पोगोनियम कहते हैं, मेल सेक्स आर्गन को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। कार्पोगोनियम को हम लोग देखेंगे, इसमें भी 2 पार्ट है, एक एपिकल पार्ट होता है ऊपर वाला भाग, और एक कौन सा होगा, बेसल नीचे वाला भाग। एपिकल पार्ट क्या करेगा कि फीमेल मेल गैमेट को रिसीव करेगा, उसे कहते हैं कार्पोगाइनी, ठीक है। फिर इसके बाद जो इसका बेसल पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम, और ये एस्कोगोनियम क्या करती है, फीमेल गैमेट को धारण किए रहती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मेल गैमेट, मेल गैमेट को स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, स्पर्मेसिया कहते हैं, और ये जो है नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया इसका रिप्रोडक्शन, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे, और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आए भी हुए हैं, तो आइए चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं लाइकेन जो है ना ये क्या करते हैं, ये इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन होते हैं, ये क्या करते हैं, इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है, कि वायु प्रदूषक के क्या होते हैं सूचक, स्पेशली कौन सा,
SO2, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए मैं उन्हीं क्वेश्चन को पॉइंट बनाया हूँ, वही मेरे यहाँ पे पॉइंट है जो कि क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉइनियर ऑफ लिथोस्फीयर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, पॉइनियर पॉइनियर ऑफ लिथोस्फीयर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि नंगी चट्टानों पर सबसे पहले जो ग्रो करने वाला, जो सक्सेशन करने वाला जो थैलस होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो कौन होता है, यही लाइकेन होता है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एज फूड, अब हम लोग देखेंगे खाने के रूप में कौन सा हम लोग लाइकेन यूज करते हैं, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्लैडोनिया रेंजीफेरा, ठीक है ना, रेंजीफेरेना, क्या लिखेंगे, क्लैडोनिया रेंजीफेराइना, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसी को हम लोग रेंडियर मॉस भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंडियर मॉस, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ना, इसी में और है सिट्रेरिया आइसलैंडिया, ये सब जितने भी हमने पॉइंट रखा है सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। सिट्रेरिया ठीक आइसलैंडिया आइस लैंडिया, ठीक। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये हमने इसका बोटैनिकल नेम लिखा है, इसीलिए आर जो होगा ये स्मॉल होगा, ठीक है, आप सभी लोग बना लीजिएगा अपने नोट्स में। फिर इसके बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको आयरिस मॉस कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे फिर आई रिच मॉस, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पारमेलिया, ठीक, क्या देखेंगे, पारमेलिया, ये पारमेलिया क्या होता है, इसी को हम लोग रॉक फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉक फ्लावर, ठीक। और ये जो है करी पाउडर, इससे बनाया जाता है, ठीक है, करी पाउडर बनाने के काम आता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे लेकेनोरा, ठीक, लेकेनोरा, ये लेकेनोरा क्या होता है, इसको हम लोग ब्रेड ऑफ हीवन कहते हैं, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, ब्रेड ऑफ हीवन, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इवर्निया, ठीक, इवर्निया, तो इसको हम लोग देखेंगे, इसका यूज कहाँ पर होता है, ब्रेड बनाने में, तो इन ब्रेड मेकिंग, ठीक। तो प्यारे बच्चों इतना तो जो है लाइकेन का यूज हम लोग करते हैं खाने के रूप में, अब हम लोग देखेंगे इसके मेडिसिन के रूप में, ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। अब देखिए चौथा इसका यूज देखेंगे हम लोग मेडिसिन, ठीक। तो मेडिसिन में हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं, स्पेशली देखिए उसनिया से एक मिलता है उसनिक एसिड, ठीक है ना, उसका यूज किया जाता है, क्या मिलता है, उसनिक एसिड, और ये कौन से लाइकेन से मिलता है हमको, उसनिया से, ठीक है। इसी को ओल्ड मैन बियर्ड भी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, इसी उसनिया को क्या कहते हैं, ओल्ड मैन बियर्ड, ठीक है, मतलब बूढ़े आदमी की दाढ़ी, जो सफ़ेद सफ़ेद होती है ना, वैसे ही ये उसनिया भी होता है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, बच्चों कि इसके बाद जो आएगा पारमेलिया, ठीक है ना, पारमेलिया, ठीक, ये पारमेलिया जो होता है, ये जो है इस सांप काटने पर या बिच्छू काटने पर इसको इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो लिख देते हैं स्नेक एंड स्कॉर्पियन बाइट, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पारमेलिया हो गया, फिर इसके बाद रोसेला, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट बताते हैं रोसेला, इस रोसेला का यूज जो होता है वो इराइथ्रिन, ठीक है ना, किस रूप में होता है, इराइथ्रिन के रूप में, ठीक है।
फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया, अब डाई के रूप में कौन कौन सा होता है। अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि पॉइजनस लाइकेन, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कौन सा पॉइजनस लाइकेन, पॉइजनस लाइकेन कौन सा होता है, लेथारिया वुल्पाइन वुल्पिना, ठीक है ना, लेथारिया वुल्पाइना या वुल्पिना, ठीक, इसको हम लोग वोल्फ मॉस भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्फ मॉस, ठीक है। तो इतना हो गया, अब बस बहुत छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है, डाई के रूप में हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इन डाई, डाई मीन्स क्या होता है, इसको कलर के रूप में, ठीक है। तो रोसेला टिंटोरी, ठीक है ना, कौन सा, रोसेला टिंटोरी, इसका जो है यूज लिटमस पेपर बनाने के लिए किया जाता है, किस रूप में, लिटमस, ये तो कम से कम 100 बार से ऊपर ही पूछा गया होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रोसेला और सिट्रेला आइसलैंडिया, ठीक है ना, कौन सा, रोसेला एंड सिट्रेरिया आइसलैंडिया, ठीक, इसका यूज जो है आर्चिन या ओरिसिन ब्लू डाई बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं इसको आर्चिन, ठीक, तो आर्चिन क्या होता है, ब्लू डाई, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और जो है, तो एक और हमारा बच रहा है, कौन सा, लेबेरिया पल्मोनेरिया, ठीक है ना, कौन सा है, लेबेरिया पल्मोनेरिया, ठीक है, इसका जो है यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किस रूप में होता है, परफ्यूम बनाने में, ठीक। तो प्यारे बच्चों, बस आज के लेक्चर में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आप लोगों को कोई भी अदर लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं इस लाइकेन का 40-40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दूंगा, वो आप लोग कर लिए सॉल्व, इसको देखें, आप लोग पढ़े रहेंगे तो उस क्वेश्चन को बहुत चुटकी में सॉल्व करेंगे।